आज हम पढ़ने जा रहे हैं अर्थशास्त्र के चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है कि आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास, जो बोर्ड के एग्जाम में 10 मार्क्स में पूछा जाता है। बट आज के लेक्चर में हम पूरा का पूरा आर्थिक वृद्धि के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक जो हम पढ़ने वाले वो आर्थिक वृद्धि। आर्थिक वृद्धि का डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं कि राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर अथवा वस्तु एवं सेवाओं के कुल उत्पादन की मात्रा में हुई वृद्धि। यहाँ पे बोल दिया है कि आर्थिक वृद्धि क्या दर्शाता है, मेन कुल उत्पादन की मात्रा में होने वाले वृद्धि को दिखाता है। जैसे देश में आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास किसका हम जानते हैं, तो देश का हम जानते हैं, कोई भी देश का जानते हैं। तो देश की हम इस पीरियड में देश की जो वृद्धि होती है, आर्थिक वृद्धि, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। डेफिनेशन के अनुसार राष्ट्रीय आय में वृद्धि, तो जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, तो राष्ट्रीय आय की वृद्धि किसके ऊपर डिपेंडेड होता है कि भूमि, आपने कक्षा 11th में पढ़े, भूमि, पूंजी, श्रम और नियोजन, ओके, नियोजन, इन चार चीजों के ऊपर डिपेंडेंट क्या होता है, आर्थिक राष्ट्रीय आय डिपेंडेंट होता है। अब फॉर एग्जांपल कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगा, राष्ट्रीय आय में कैसे वृद्धि होगा, यदि उत्पादन में वृद्धि होगा, उत्पादन में वृद्धि होगा तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगा, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगा तो हम कह सकते हैं कि देश का आर्थिक वृद्धि हो रहा है। मतलब इस चैप्टर में पूरा का पूरा हम इस सब चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए, आपको आर्थिक वृद्धि का मीनिंग समझ में आ गया कि राष्ट्रीय आय में आपको बोला है कि राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर अथवा वस्तु एवं सेवाओं के कुल उत्पादन की मात्रा में हुई वृद्धि। मतलब उत्पादन में वृद्धि होगा तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगा, और राष्ट्रीय आय की वृद्धि होने से देश का आर्थिक वृद्धि होगा, ओके। लेकिन इसके कुछ मर्यादा हैं, चलिए मर्यादाएं हम पढ़ लेते हैं। आर्थिक वृद्धि की मर्यादाएं, उसकी लिमिटेशन हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला लिमिटेशन है कि परिमाणात्मक परिवर्तन है, कि आर्थिक वृद्धि परिमाणात्मक परिवर्तन है। अब वर्ड आए कि परिमाणात्मक क्या होता है, परिमाणात्मक मीन्स परिवर्तन, तो परिवर्तन जो होता है ओनली वो किस में होता है, संख्या में परिवर्तन होता है। परिमाणात्मक का दूसरा नाम हम बोलते हैं कि संख्यात्मक परिवर्तन, मतलब ओनली यहाँ पे संख्या में परिवर्तन होता है। जैसे हमने पहले ही डेफिनेशन में पढ़े कि इस ये ओनली किस में दिखाता है, उत्पादन में परिवर्तन दिखाता है, कि उत्पादन में कितने रुपये कितना वृद्धि हुआ, तो उत्पादन में वृद्धि होगा तो राष्ट्रीय आय में परिवर्तन होगा, राष्ट्रीय आय में परिवर्तन होने से आर्थिक वृद्धि होगा। लेकिन इसकी लिमिटेशन ये है कि ओनली उत्पादन की परिवर्तन दिखाता है, लेकिन उसकी गुणवत्ता नहीं दिखाता है। मेन चीज़ जो है क्वालिटी, क्वालिटी में कोई परिवर्तन यहाँ पे नहीं, ओनली उसकी संख्या में कितना परिवर्तन हो वही दिखाता है, तो उसकी ये लिमिटेशन है। सेकेंड लिमिटेशन है कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, परंतु संस्था की ओर मनोविज्ञान के रुझान अभी भी यथावत रहते हैं। देखो कि उत्पादन में वृद्धि होगा, कोई भी उत्पादन में परिवर्तन होगा, उत्पादन की संख्या में वृद्धि होगा, तो क्या होगा, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगा, और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से क्या होगा, लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें भी वृद्धि होगा। लेकिन क्या उनकी जीवन शैली में सुधार हुआ है, नहीं, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुआ लेकिन उनकी गुणवत्ता में तो वृद्धि नहीं हुआ, उत्पादन की गुणवत्ता में वृद्धि नहीं हुआ। इसलिए यहाँ पे लिमिटेशन में ऐसा बोला कि संस्था की ओर मनोविज्ञान अभी भी रुझान में होते हैं, क्योंकि जो उत्पादन है उसमें गुणवत्ता है ही नहीं, ओके, ओनली संख्या में परिवर्तन होता है। देन थर्ड है कि संकल्पना मर्यादित है, जो आर्थिक वृद्धि की संकल्पना है वो मर्यादित है। क्यों मर्यादित है, क्योंकि ये ओनली उत्पादन में वृद्धि दिखाता है, ओनली संख्या में वृद्धि दिखाता है कि कितना वृद्धि हुआ, लेकिन क्या गुणवत्ता में वृद्धि दिखाता है कि गुणवत्ता में क्या सुधार हुआ, नहीं। इसलिए इसकी संकल्पना जो है, उसकी डेफिनेशन जो है वो कैसा है, मर्यादित है। लोग हम जब ये अभी ऊपर का पढ़े, स्थान चौथा पॉइंट है कि लोगों के कल्याण एवं उसमें हुए परिवर्तन जानने के लिए अधिक उपयोगी नहीं है।
देखो यदि गुणवत्ता में परिवर्तन होता कि तो हम लोगों की कल्याण और उसमें परिवर्तन हम देख पाते, लेकिन ओनली यहाँ पे क्या हो रहा है, संख्या में ही वृद्धि हो रहा है, जिसके लिए ये अधिक उपयोगी नहीं है। लोगों की कल्याण, लोगों में क्या कल्याण हुए, उसमें क्या परिवर्तन हुए, ये जानना के लिए अधिक उपयोगी नहीं है। आई थिंक आपको आर्थिक वृद्धि की मर्यादाएं समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कॉमेंट कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।